लोगों को इसी वजह से किसी प्रकार की भी कोई जानकारी आपको जो ऑड आवर्स हैं उसमें नहीं दी जाएगी। अगर आप इसी बीच में अगर हमें आप कॉल करेंगे तो आपको जो भी आपके ऐसे सवाल हैं, जो भी आपके ऐसे प्रश्न हैं, जो आप हमसे जानना चाहते हैं उनके उत्तर, आप इसी बीच में अगर हमें आप कॉल करेंगे तो। नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोटपरी ऑफिस में आज आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में। आज मैं आपको ये बताऊंगा, जैसा कि बहुत सारे कपल्स ने हमसे पूछा था कि सर कोर्ट मैरिज ऑफिस में कॉल करने का समय क्या है और यदि हम कोर्ट मैरिज करने की कुछ जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो हम किस टाइम हम अपने जानकारी प्राप्त करने के लिए कोर्ट मैरिज ऑफिस में हम लोग कॉल कर सकते हैं, और इससे जुड़ी कुछ और बातें भी दोस्तों आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग कोर्ट मैरिज से संबंधित कोई भी जानकारी अगर कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप सुबह 10 बजे से लेके और शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप लोग हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दोस्तों आप लोगों से एक आग्रह है, कई सारे बच्चे हमें रात को देर रात में 3 बजे 4 बजे या जो है अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे कॉल करते हैं, तो उस टाइम दोस्तों कोई भी अवेलेबल नहीं होते हैं हमारे स्टाफ। तो आप लोगों को इसी वजह से किसी प्रकार की भी कोई जानकारी आपको जो ऑड आवर्स हैं उसमें नहीं दी जाएगी, लेकिन जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं, ठीक है, जो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक, अगर आप इसी बीच में अगर हमें आप कॉल करेंगे तो आपको जो भी आपके ऐसे सवाल हैं, जो भी आपके ऐसे प्रश्न हैं जो आप हमसे जानना चाहते हैं उनके उत्तर कोर्ट मैरिज से संबंधित, तो हर संभव मदद आपको हमारे द्वारा जरूर करी जाएगी। तो आप लोग कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है और मैं अपनी प्रीवियस जो हमारी वीडियोज़ है उसमें भी मैं बता चुका हूं कि दिल्ली से अगर आप अपनी शादी करने के बाद अगर उसकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन अगर करवाते हैं तो उसमें 3 दिन का समय लग जाता है, और वही काम अगर आप अपना गाज़ियाबाद से अगर करवाना चाहते हैं तो आपका वही काम आपका सिर्फ 1 दिन में हो जाता है। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारतवर्ष में से लोग गाज़ियाबाद में आकर अपनी शादी कर सकते हैं, अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं दोस्तों, और एक ही दिन के अंदर आप लोग दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं, एक ही दिन के अंदर दोस्तों आप लोग पति पत्नी बन सकते हैं, और जो सर्टिफिकेट आपको मैरिज रजिस्ट्रार साहब द्वारा जो आपको गाज़ियाबाद से दिलवाया जाता है उस मैरिज सर्टिफिकेट को आप लोग उत्तर प्रदेश सरकार की जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट है www.igrsup.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों के पास में आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड और आपका एज प्रूफ होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, और इसी के साथ आपको यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में अगर नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी आप लोग लेकर आ सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है दोस्तों, लेकिन आपकी जो फोटोकॉपीज़ हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर प्रिंट बिल्कुल साफ होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि मैरिज रजिस्ट्रार साहब को आपकी जो डिटेल्स हैं वो पढ़ने में आसानी रहे। ऐसा नहीं कि कोई मिसप्रिंट है, कहीं पर डेट ऑफ बर्थ नहीं दिख रही, कहीं पर नाम नहीं दिख रहा या कहीं पर फादर नेम नहीं दिख रहा, तो ऐसा कोई भी कागज़ दोस्तों आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आएँ उनका आप पूरा ध्यान रखें, और आने से पहले दोस्तों आप लोग अपनी अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करें, क्योंकि कम से कम 3 दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, जिससे कि हम लोग एक सुचारू प्रक्रिया के ज़रिए आप लोगों को, जैसा कि हम बोलते हैं कि हम 3 से 4 घंटे का समय लगता है आपकी मैरिज होने में और रजिस्ट्रेशन होने में, तो अगर आप अपनी अपॉइंटमेंट लेकर अगर आप आएंगे तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम इसी बीच 3 से 4 घंटे में हमारे और हमारे स्टाफ के द्वारा आप लोगों को जो है आपकी पहले आर्य समाज मंदिर में शादी करवा के और फिर आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा के हम आपको जल्दी से जल्दी आपको फ्री कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो से जुड़े अगर कुछ आपके सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने प्रश्न लिखना बिल्कुल ना भूलें, और यदि कोर्ट मैरिज करने की, कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से उसकी प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप लोग हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरा दोस्तों आप लोगों से पुनः आग्रह है, कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो कोटपरी ऑफिस को इतना प्यार देने के लिए और कोटपरी ऑफिस के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।